वेरी वॉर्म वेलकम टू यू ऑल थ्रू स्टार्टेड सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की सो so, सेक्शन 186 के प्रोविजंस कब एप्लीकेबल होते हैं जब कोई भी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है किसी बॉडी कॉरपोरेट को या किसी पर्सन को बॉडी कॉर्पोरेट एक ब्रॉडर टर्म है इट इंक्लूड्स एन एल पी ओ पी सी कंपनी एनी कंपनीज कंपनीट्रा तो कोई भी कंपनी अगर लोन दे रही है टू तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन को तो वहां पे सेक्शन 186 के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं इसके अलावा अगर कोई कंपनी गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है टू तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन को मीन्स किसी थर्ड पार्टी ने अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन को लोन दे रखा है और आपकी कंपनी उस बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन की गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है तो वहाँ पर भी सेक्शन 186 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं इसके साथ ही अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है इन एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट मीनस उस दूसरी बॉडी कॉरपोरेट के शेयर्स को परचेज करके इन्वेस्ट कर रही है तो वहां पर भी सेक्शन 186 के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पर बॉडी कॉरपोरेट के साथ हमने पर्सन नहीं यूज किया है क्योंकि कभी भी कोई कंपनी किसी पर्सन के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है एस पर्सन अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकता है सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट ही अपने शेयर्स को इशू कर सकती है तो सेक्शन 186 के प्रोविजंस एप्लीकेबिलिटी के लिए देखने के लिए आपको चार चीज़ें देखनी है वो है एल आई जी एस यानी कि कोई भी कंपनी या तो लोन प्रोवाइड कर रही है एल स्टैंड फॉर लोन आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट जी एंड एस स्टैंड फॉर गारंटी एंड सिक्योरिटी तो कोई भी कंपनी अगर लोन प्रोवाइड कर रही है या गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है या फिर इन्वेस्ट कर रही है तो वहाँ पर सेक्शन 186 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे टर्म पर्सन को यूज किया गया है वहां पर एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं किए गए हैं मींस अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को लोन दे रही है तो वहां पर सेक्शन 186 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं इसके साथ ही अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे रही है तो वो भी पर्सन में इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि डायरेक्टर को लोन देना उसमें सेक्शन वन एटी फाइव एप्लीकेबल होता है ना लेट्स फर्स्ट लिमिटेड कंपनी कंपनी लोन अब क्या यहाँ पर सेक्शन वन एटी सिक्स एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा अभी पीछे हमने प्रोविजन में देखा एप्लीकेबिलिटी के प्रोविजन में देखा कि जो कंपनी जो लोन देती है या एल आई जी एस देती है वो एक कंपनी होनी चाहिए और लेने वाली हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन होनी चाहिए तो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी हुई और यहाँ पर लोन दिया जा रहा है एक फॉरेन कंपनी को यानी कि जो लेने वाली है वो ही फॉरेन कंपनी और फॉरेन कंपनी होती है हमारी एक बॉडी कॉर्पोरेट क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स करती है सभी कंपनीज को बॉडी फॉरेन कंपनीज को एल पी ओपीसी एक्सेट्रा सो यहाँ पर सेक्शन 186 एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी अगर लोन देती है एबीसी लिमिटेड को फॉरेन कंपनी एक कंपनी नहीं है वो है एक बॉडी कॉर्पोरेट वेयर एज यहाँ पर जो लेने वाली कंपनी है वो कंपनी है यानी कि एबीसी लिमिटेड सेक्शन टू क्लॉस ट्वेंटी के अकॉर्डिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी वही होती है जो अंडर 2013 के एक्ट के अंडर या फिर जो भी प्रीवियस कंपनी लॉ प्रिवेलिंग था यानी कि 2013 से पहले जैसे हमारा 1956 था या उसके पहले जो भी एक्ट था कंपनीज एक्ट उसके अंडर में जो भी कंपनी रजिस्टर की जाती है हम उनको कंपनीज मानते हैं बट फॉरेन कंपनी हमारे कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होगी वो हुई होगी जो भी जहां पर भी फॉरेन पर रजिस्ट्रेशन हुआ है उस कंपनी का जहां पर भी रजिस्टर्ड ऑफिस है उस उस कंट्री के एक्ट के अकॉर्डिंग तो इसीलिए फॉरेन कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है और वो कंपनी नहीं मानी जाती है इसलिए यहाँ पे सेक्शन वन एटी सिक्स एप्लीकेबल नहीं होगा नेक्स्ट इज कंपनी प्रोवाइड्स गारंटी और सिक्योरिटी फॉर एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन तो कंपनी अगर कोई गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन को तो वहां पर भी सेक्शन 186 एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट इज अगर कोई कंपनी लोन देती है सपोज किसी पर्सन को ए जो कि एक आउटसाइडर है तो क्या यहाँ पे सेक्शन 186 एटी सिक्स एप्लीकेबल होगा बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ पर लोन देने वाली कंपनी है और लेने वाला कोई पर्सन है जो कि आउटसाइडर है नेक्स्ट इज अगर मान लीजिए जो ये ए है वो कंपनी का एम्प्लॉय होता तो यहाँ पर कंपनी लोन दे रही है अपने एम्प्लॉय को तो यहाँ पर सेक्शन 186 एटी सिक्स एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि हमने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा कि पर्सन की डेफिनेशन में एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं किया गया है नेक्स्ट अगर कोई कंपनी लोन देती है ए को और यहाँ पर ए उस कंपनी का डायरेक्टर है तो कंपनी लोन देती है अगर अपने डायरेक्टर को तो वहां पर भी सेक्शन 186 एट्टी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि कंपनी अगर अपने डायरेक्टर को लोन देती है तो वहां पर एप्लीकेबल होते हैं सेक्शन 185 नेक्स्ट अगर कोई कंपनी शेयर्स परचेज करती है किसी कंपनी का फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर वो कंपनी शेयर्स परचेज कर रही है तो यहां पर भी सेक्शन 186 एटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि यहां पर एक इन्वेस्टमेंट हो रही है बाय अ कंपनी इन एनी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी नदर फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड अब अगर आपकी कंपनी एल प्रोवाइड करती है तो उसके लिए उस कंपनी को क्या क्या फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है कि वो क्या क्या करेगी सबसे पहले तो उस कंपनी को पास करना होगा एक का मतलब होता है, तो जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं उस मीटिंग में उनको उस रेजोल्यूशन के फेवर में ही वोट करना होगा तो अगर सारे डायरेक्टर्स का फेवर में वोट आता है तभी वो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन माना जाता है इसके साथ ही अगर एल जो LIGS है, आपका जो भी आप loan, guarantee, security, जो भी आप आप जो कर रहे हो, वो at a single point of time पे ceiling limit से एक्सीड नहीं कर सकता है ceiling limit, एक maximum limit है, जो कि प्रोवाइड करी गई है तो अगर एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में वो लिमिट क्रॉस नहीं की जा सकती है थर्ड इज जो प्रेजेंट एल है मीन्स जितना आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हो प्लस जो प्रपोज है यानी कि जो आप करने जा रहे हो वो दोनों को मिला के अगर आपकी सीलिंग लिमिट क्रॉस होती है तो वो हो सकती है लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा इन जनरल मीटिंग तो जितना भी आप लोन दे चुके हो या गारंटी जो भी है वो आप दे चुके हो प्लस जो आप देने वाले हो अगर वो इंक्लूड करके अगर आपका सीलिंग लिमिट क्रॉस होती है तो आप दे सकते हो लेकिन उसके लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा इन जनरल मीटिंग अब सीलिंग लिमिट क्या है सीलिंग लिमिट है यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल करके उसका सिक्सटी या फिर हंड्रेड ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवरेज हायर तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा अगर उस अमाउंट से ज्यादा आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो या गारंटी दे रहे हो या सिक्योरिटी दे रहे हो तो उसको देने के लिए आपको सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा इन जनरल मीटिंग उसके बाद ही आप दे सकते हो नेक्स्ट फॉर्मेलिटी इज प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड इन टू केसेस तो दो केसेस ऐसे हैं कि अगर आपकी कंपनी उन दो केसेस में फॉल करती है भी एक केस में फॉल करती है आउट ऑफ टू केसेस तो आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी प्रायर अप्रूवल लेनी होगी एल प्रोवाइड करने से पहले अब कौन कौन से केसेस में पीएफआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट इज वेन कंपनी डिफॉल्टेड इन पी एफ आई लोन मीन कंपनी ने आपकी जो भी कंपनी है जो लोन देने वाली है जो एल देने वाली है उस कंपनी ने अगर किसी पी से लोन ले रखा है और वो डिफॉल्ट कर दिया है ड्यू डेट निकल चुकी है और उस कंपनी ने उस PFI के लोन का पेमेंट नहीं किया है तब ऐसे केसेस में उस को कोई भी एल कोई भी एलआईजीएस प्रोवाइड करने से पहले पी की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट केसेस पी एफ आईज लोन इज आउटस्टैंडिंग बट नॉट डिफॉल्टेड एंड प्रेजेंट प्लस प्रपोज्ड एल इज ग्रेटर देन सीलिंग लिमिट मतलब आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है बट स्टिल जो लोन है वो आउटस्टैंडिंग है मींस ड्यू डेट आती है जो भी रिक्वायरमेंट होता है अमाउंट का वो पे करती है आपकी कंपनी बट अभी तक पूरा लोन पेमेंट नहीं हुआ है अभी कुछ पोर्शन ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग है और आपकी कंपनी एल प्रोवाइड करने वाली है जो कि प्रेजेंट एल जितना भी कंपनी ने प्रोवाइड किया है वो प्लस प्रपोज जो आपकी कंपनी प्रोवाइड करने वाली है वो उन दोनों को मिला के

तो क्या पीएफआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है येस yes. क्यों? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट केस हो गया जहां पे कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है नेक्स्ट इफ नो डिफॉल्ट अगर कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा है लेकिन पीएफआई का लोन अभी आउटस्टैंडिंग है और सीलिंग लिमिट आपकी क्रॉस नहीं हो रही है तब ऐसे केसेस में पीएफआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है तो ऐसे केस में पीएफआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपकी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट भी नहीं किया है प्लस लोन तो आउटस्टैंडिंग है बट सीलिंग लिमिट के विद इन है जो भी आप एल प्रोवाइड करने वाले हैं वो विद इन दी सीलिंग लिमिट है इसलिए इफ आपकी जो क्रॉसिंग लिमिट है वो सीलिंग लिमिट आपकी क्रॉस हो रही है और आपने एल पीएफआई से कोई भी लोन नहीं लिया है तब ऐसे केसेस में क्या आपको रिक्वायरमेंट है पीएफआई की तो आंसर इज नो अगर आपने कोई लोन लिया ही नहीं है पीएफआई से, तब आपको सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जीएम कुछ और प्रोविजन है जैसे कि नो no एल तो अगर आपकी कंपनी ने कोई पब्लिक डिपॉजिट ले रखा था और उसमें डिफॉल्ट कर दिया है तो आपकी कंपनी एल आईजीएस नहीं दे सकती है स अगर पी का आपने कोई डिफॉल्ट किया था तो उनसे परमिशन लेके अगर वो अप्रूव कर देते हैं तब भी आप कर सकते थे बट केस ऑफ पब्लिक डिफॉल्ट आप जब तक उस डिफॉल्ट का पेमेंट नहीं कर देते हैं जब तक वो डिफॉल्ट इज मेड गुड जब तक वो डिफॉल्ट ठीक नहीं हो जाता है तब तक आप कोई भी एल नहीं दे सकते हैं सेकेंड इज कि जो भी आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है एज पर योर लोन का टेन्योर जितना भी आपका लोन का टेन्योर है उसके अकॉर्डिंगली जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे ईड लाता है वन ईयर फाइव ईयर या टेन ईयर उसका इंटरेस्ट रेट जितना भी है उससे कम नहीं होना चाहिए नेक्स्ट इज कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी रिगार्डिंग दी एलआईजीएस लाइक किसको दिया है क्या पर्पस था क्या सोर्स था कंपनी पे इतना पैसा कहाँ से आया जो रेसिपियंट है मींस जिसको लोन दिया गया है जिसको पैसा मिला है वो उसको कहाँ यूज करेगा ये सारी डिटेल्स कंपनी को अपने डिस्कलोजर्स देना होगा इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट कंपनी को एक एमबीपी टू जो फॉर्म होता है एक रजिस्टर होता है वो अपने पास मेंटेन करना होगा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सारी डिटेल्स उसमें फिल करनी होंगी ऑफ एल आई जी एस विद इन सेवन डेज नेक्स्ट इज नो कंपनी शेल हैव मोर देन टू लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज तो किसी भी कंपनी की दो लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज नहीं हो सकती है फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है ए उसकी सब्सिडरी हुई बी एंड सी तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर अब अगर B और सी की भी फर्दर सब्सिडरीज़ है लाइक डी एंड ई तो ये हो गई हमारी सेकेंड लेयर तो सेकेंड लेयर से ज्यादा किसी भी कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज़ नहीं हो सकती है तो मैक्सिमम दो ही लेवल तक की इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज हो सकती है इससे ज्यादा नहीं हो सकती है लेकिन अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी को एक्वायर करती है सपोज कोई फॉरेन कंपनी है एफ और उस एफ कंपनी की दो लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज है तो उसको वो एक्वायर कर सकती है क्योंकि हो सकता है उस फॉरेन कंपनी की कंट्री में अलाउड हो दो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी से ज्यादा बनाना लेकिन हमारी कंट्री में अलाउड नहीं है इसलिए इंडियन कंपनी टू लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी से ज्यादा नहीं कर सकती है ऐसा प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 में नाउ द फाइन फॉर कंट्रवर्जन कोई भी कंट्रवर्जन होता है किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड तो ऐसे केसेस में फाइन है ऑन कंपनी मिनिमम 25000 का एंड मैक्सिमम 5 लाख का एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे मिनिमम 25000 का एंड मैक्सिमम 1 लाख का एंड अप टू 2 इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है

हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल है सिर्फ सबसेबल होता है मीन्स इनकी इन कंपनीज को भी सिर्फ टू लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज हो सकती है उससे ज्यादा नहीं हो सकती है बाकी जो भी एल आई जी एस की प्रोविजन है वो इन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं नेक्स्ट इज थिंग इन सेक्शन सिक्स शेल अप्लाई एक्सेप्टशन वन इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय दंपनीज है ये जो तीन टाइप की कंपनीज है इन कंपनीज में अगर आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है एल आई जीएस में से यानी कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रही है तब ऐसे केसेस में सिर्फ सबसेक्शन वन इनपे एप्लीकेबल है यानी टू लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला अदरवाइज कुछ भी अदरवाइज और इसके अलावा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है बट इन कंपनीज में अगर ये इन्वेस्टमेंट के अलावा कुछ और कर रहे हैं तो पूरा सेक्शन 186 एट्टी सिक्स इनपे एप्लीकेबल होगा बट अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में सिर्फ ये तीन आ, सिर्फ सबसेक्शन वन ही एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट नथिंग इन सेक्शन 186 एटी सिक्स शेल अप्लाई ऑन अब ये जो दो कंपनीज है यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज हु आर एंगेज इन डिफेंस प्रोडक्शन डिफेंस प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल एच एल हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड इस टाइप की कंपनीज पे एंड अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी आफ्टर दी अप्रूवल फ्रॉम इट्स मिनिस्ट्री इन चार्ज जो भी अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है उनके जो भी मिनिस्ट्री इन चार्ज है अगर आपने उनसे अप्रूवल ले रखा है तो इन दो टाइप की कंपनी पे सेक्शन 186 पूरा का पूरा एप्लीकेबल नहीं होगा नेक्स्ट इज मिनिमम इंटरेस्ट रेट प्रोविजन शेल नॉट अप्लाई ऑन जो हमारा मिनिमम इंटरेस्ट रेट का प्रोविजन था वो एप्लीकेबल नहीं होगा दो टाइप की कंपनीज में नंबर वन इज सेक्शन एट कंपनीज जो सेक्शन का एट का काम करती है चैरिटेबल काम करती है नेक्स्ट कोई ऐसी कंपनीज जिसकी ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ दी शेयर होल्डिंग पब्लिक शेयर होल्डिंग किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास और वो कंपनीज जो लोन प्रोवाइड कर रही हैं वो किस लिए दे रही हैं रिसर्च वर्क के लिए अपनी ही कंपनी के ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ही पूरा करने के लिए उनकी कुछ रिसर्च के लिए अगर आपकी कंपनी लोन प्रोवाइड कर रही है तो ऐसे केसेस में मिनिमम इंटरेस्टेड प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा नेक्स्ट नो नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग इवन इफ प्रेजेंट प्लस प्रपोज एल आई जी एस इज मेड बाय अगर आपकी कंपनी होली ओन सब होली टू होल्डिंग टू होली ओन सब्सिडरी अगर आपकी कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी है और वो अपनी होली ओन सब्सिडरी को लोन देती है या कोई कंपनी अपने ज्वाइंट वेंचर को लोन देती है तो ऐसे केसेस में जो सीलिंग लिमिट है वो भी क्रॉस कर सकते हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन की पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अदरवाइज आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है बट इन दो केसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है नेक्स्ट आईएफएससी कंपनीज आईएफएससी कंपनीज को बहुत सारी एग्जाम्शन प्रोवाइड करी गई है आईएफएससी कंपनीज कौन सी होती वो इंडियन कंपनी होती है जो फाइनेंशियल करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो सी कंपनीज को कौन सी एग्जाम्पन्स दी गई हैं सबसे पहले वन एट्टी सिक्स वन शेल नॉट अप्लाई तो सेक्शन वन एट्टी सिक्स सेक्शन वन के जो प्रोविजन है, इन है इनकी एट सिंगल टाइम जो एल है वो सीलिंग लिमिट को क्रॉस कर सकती है बाई पासिंग दी बोर्ड रेजोल्यूशन तो यहाँ पर यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन आप पास कर दीजिए तब भी आपकी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं प्रेजेंट और जो प्रपोज एल की रिक्वायरमेंट थी कि वो सीलिंग लिमिट को अगर क्रॉस करती है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है लेकिन आई कंपनीज के केस में आपको सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके भी काम चल जाता है पी की अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने डिफॉल्ट कर रखा है या लोन ले रखा है तब भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी कंपनीज को कि वो पी की अप्रूवल लें। नेक्स्ट जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट के प्रोविजंस हैं, वो भी इन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच आई होप इट इज क्लियर स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज